आगे से बंद है जगह और इसके अकॉर्डिंग हम स्मोक ही जा रहे हैं। मिसबा तैबा क्या नाम है तुम्हारा? नवेरा। यार आज ना मैंने व्लॉग नहीं बनाना था क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, इतना थका थका फील कर रही थी। आज हम यूनिवर्सिटी आए थे क्योंकि आज हमारे जूनियर्स का ओरिएंटेशन था और हमें सीनियर्स बन के आना था उनको गाइड करने के लिए, और फिर हमारा प्लान बना बाहर जाने का, सडन प्लान था क्योंकि अगर प्लान प्री प्लान हो तो वो इतना मज़ेदार नहीं होता हमारा। तो मैंने बोला था आज मैं व्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि ना दिल ही नहीं था, थकावट इतनी हुई हुई थी, सुबह जल्दी उठी ना दरअसल मैं आज, तो नींद की वजह से आँखें बंद हो रही थी, चला नहीं जा रहा था। तो डिसाइड हुआ कहाँ जाने का, डिसाइड हुआ था पहले कौन सी जगह थी यहाँ से उठ के आ गए, फ्रैंकोस गए हैं, उबर कराइए, फाइनली वहीं पहुँचे हैं जहाँ पे हमने जाना था, वहाँ बैठे हैं और उनका मेन्यू देखा है सारा, बल्कि मेन्यू देख कर गए थे यूनिवर्सिटी से, वहाँ जाके दोबारा मेन्यू देखा और फिर वहाँ पे आउटडोर था, इनडोर तो कहीं पर भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं हमने स्मोकीज जाना है, स्मोकीज जाना है। हमारे साथ एक नई बंदी शामिल हुई है, अजीब थका रही है और वहाँ से उठ के हम कहती तुम लोगों को पैदल लेके जाती हूँ, इसकी तो आदत है पैदल चलना, लूर लूर घूमना फिरना इस्लामाबाद की सुनसान सड़कों पर, लेकिन हमें आदत नहीं है और खाली पेट मुझे चलवा रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ और मेरी इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई है। अभी हम बीच चौक के ऊपर, चार जो होता है ना चौक का टी होता है ना, टी नहीं था वो डब्ल्यू था, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ से रोड क्रॉस की है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे की है, बस मैंने कहा मैं गुजर रही हूँ, गाड़ियों वाले खुद ही मुझे देखकर जो है रुकेंगे तो रुकेंगे। फिर मैंने इरादा किया रोड क्रॉस करते हुए, मैंने कहा नहीं अशर कुछ ना, और इससे कुछ होना बेहतर है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लो, और बस फिर मैंने शुरू कर दिया व्लॉग। अभी हम देखें, अब हमारे आगे वहाँ पर रोड बंद हो गई है, खुद कॉल पर लगी हुई थी, हमें कहती सीधा सीधा सीधा, और फिर अभी एकदम से कहती है कोई बात नहीं गली में मुड़ जाते हैं, बदतमीज़ मैंने कहा था टैक्सी करा लेते हैं, 50 रुपए की बात थी। दूर कितना दूर है? ये देखो ये इतना सा है बस, हाँ, इधर दिखाओ, ये मैप में इतना सा लगता है, जब इसको हम चले ना तो फिर पता लगेगा कितना दूर है ये। चलते ना हम मारला के पहाड़ों के पास पहुंच चुके हैं, अब इससे थोड़ा सा आगे जाके ना ट्रायल 5 का ट्रैक है ना नूर, सीरियसनेस देखते हैं नूर, अगर पहली बार में कोई टैक्सी रुके ना फिर तुम्हें मान जाएगी, मुझे पता भी चले कि टैक्सी कौन सी है ना, कुछ बंदे की गाड़ी नहीं टैक्सी येलो कलर की होती है ना, पता लगता है ब्लैक और येलो। पीछे देखो नूर के पावर का पंच चेक करने लगे आई नहीं, शक्ल देख के वो मुड़ गया आज, वो तो कह रहे हैं उस साइड पे आओ वहाँ पर एक बच्ची का, हम क्यों आए वो क्यों नहीं आ सकता, हम इतना चल के तो आए हैं ना, लिटरली हमने दो टैक्सी वालों को हाथ दिया और कोई हमें, खाली टैक्सी है रोड के ऊपर जा रही है रुकते ही नहीं है, हमें सीरियस ही नहीं ले रहा कोई, अब नूर रुकेगी, नूर सीरियस होने लगी है। फाइनली टैक्सी 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 टैक्सी, पूछो इसे किधर है, F6 में है उनका फोन गुम हो गया, वो कहती है सारा हमने कॉल की उनके फोन पे तो नहीं मिला, कहती ठीक है फिर मैं कहीं और छोड़ रही हूँ, जा रही है आंटी के फोन, मैंने आंटी को कहा, मैंने आंटी को कहा आंटी कॉल करें, तो आंटी कहती बेटा फोन है तो मेरा, मैंने कहा नंबर बताया, फिर हमने कॉल की और फिर आंटी कहती चलो ठीक है बेटा कहीं और घूम गया, इतनी रिलैक्स आंटी, फोन पे नो कॉम्प्रोमाइज, भाई फोन जान है दूसरी, पहले कौन है, पहले ये ना मैं, दूसरी जान कौन है ना, जिससे तुम्हारी तीसरी भी जान होगी, हमारी नहीं है, सही है बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंस तो मैंने हमें लेके जा रही थी ना, मुझे लगता है मुझे पता था कि तुम्हें पता होगा, तुमने मैप भी खोला हुआ था, और आप कहती है कि सच्ची बात हो तुम डांटोगे बुरा तो नहीं मनाओगे, कहती है इधर को नहीं उधर को मैं बताती हूँ, अब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे क्या पता है यहाँ वाला कौन सा, यहाँ वाला तो तुम पूछ तो सकती हो ना बहन, अब हुआ इसलिए क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना था, मैं फ्रस्ट्रेटेड ना होती मैं व्लॉग ही ना शुरू करती, आज बिल्कुल मूड नहीं था। मल्ली हमने अपनी, और ये जो पर्चियाँ लगी हुई ना इधर, मैंने कहा मैंने अपनी दास्तान इधर लिख के जानी है, एक दफ़ा का जिक्र है हम चले थे यूनिवर्सिटी से कहीं और जाने के लिए, फिर हमने वहाँ पे बैठ के इरादा किया कि हम स्मोकी कॉर्नर जाएंगे, फिर हम इरादा हमारा इतना पुख्ता था कि हम वाकई आ भी गए वहाँ पर, भटके 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 जितना भटक सकते थे, फिर भी एक दिन में हम कितना भटक सकते थे। मैं पहले दफ़ा आई हूँ, मैं पहले नहीं आई थी ना यहाँ पर, मैंने जब मैं विंडोज़ आया था ना तब हमने देखा था ये, इसके सामने सुधर के आई थी, मैंने आए नहीं थे अंदर नहीं आए थे, बस देखा था ना, तो इनका मेन्यू भी थोड़ा जिन भूतों वाला था, डेडी डेडी डाइटिंग में लिखा हुआ है,
तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी मेन्यू में क्या है, भूख इतनी लगी, थकी हुई हूँ, इतनी नींद आ रही है ऊपर से। तो आगे कहते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम आपको बताते हैं। तो हमने जो मंगवाया मुझे कुछ नहीं पता, स्टेक मंगवाया क्या मंगवाया, बस मंगवा लिया जो भी मंगवाया। लेकिन पर्सनली जो है ना इनका मुझे ये थीम बड़ा अच्छा लगा है, ये सारा थीम जो है ना अच्छा लगा। कैमरा लेकर आइए अपना, ऐसा दोस्त होना चाहिए बंदे के पास। मैं सुबह से पूछ रही थी मैं कैमरा लिया, कहती ले आओ ले आओ, मत ले आओ, पिक्चर बना रहे थे तो उन्होंने ना हमें ये जादू करो वाली टोपियाँ ला के देना, आप टोपियाँ पहन के बनाए। अच्छा तुम डिसाइड कर रहे हो, अरे ठीक है आप अपना साइज सच में बनाओ या मैं तो तुम होगी इस टॉपिक के अंदर। हाँ हाँ ये वही अशल, ये वही ब्लॉगर है। हाँ ओ हो हमने स्टेक्स मंगवाए थे, स्टेक्स के साथ ये वाली जो सॉस आई है ना, मैं कहती हूँ हमारे आज बिल के जो पैसे पूरे करेंगे ना वो ये वाली सॉस करेगी। क्या कमाल है, मतलब जहाँ जहाँ सॉस गुजर रही है ना पता लग रहा है कि मिर्चें जो आ रही हैं, और ऐसी चीज़ पसंद है मुझे। और ये लिट है, अगर आप स्मोकी कॉर्नर आएँ तो आप उनको कहना कि ये वाली सॉस हमें ज़रूर देना, ये वाली सॉस इस वाले स्टेक के साथ आती है। स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्ताना मशवरात आपको हर कोई नहीं दे सकता, सिर्फ मेरे पास मिलेंगे आपको। आप लोगों ने जाके कहा कि वो सॉस दे दें जो अशर ने अपने ब्लॉग में बताई थी यार। एक तो ना हम खाते खाते थक जाते हैं, हमारा मसला सिर्फ बड़ा ही है, फिर हमें रेस्ट लेनी पड़ती है, फिर हमें दोबारा खाना शुरू करना है। जब हम दोबारा खाते हैं तो फिर मोशन टूट जाते हैं, फिर हमारा खाने का दिल नहीं करता। ऑर्डर प्राइस को तो किसी ने पूछा भी नहीं, पूछा तो उस पास्ता को पूछा और स्टेक को पूछा। फ्राइज की तरह इसमें नीचे घुमे हुए फ्राइज ही हैं, ऊपर इसके ऑलिव्स और ये पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता। अभी मैं इतनी अमीर नहीं हुई हूँ, मुझे इसका भी पता, मुझे सिर्फ ऑलिव्स का पता नहीं कौन सी चीज़ है। नहीं ये मस्टर्ड चीज़ है ना, मस्टर्ड ये चीज़ नहीं, ये इसका नहीं पता मेरे को। खा पी के बर्तन सब उन्होंने हमारे आगे से उठा लिए और ये मैडम पूछती है मजे से टेक लगा के पीछे, किसका आइडिया था इधर आने का। अभी जब बिल आएगा ना तो सारे आइडिया तुम्हारे सामने आ जाएंगे। आ गया देखो, आया अभी हैरी पॉटर के डब्बे में। मसी आज इसका फोटो शूट खत्म हुआ है, कहीं मसी निकली है होटल वाले सियालकोट। वी आर डन अबाउट टू डे, काली आ रही है इधर भी, ऐसे कैसे हो सकता है मैं काली हूँ, देखा ये ऐसा मेरा कलर है यार। आज के लिए बस ना, हो गया खाना पीना था खा लिया यार। इसका जो फोटोशूट किया ना मैंने, मुझे तो पहले मैं समझती शायद मैं ही बहुत टाइम लगाती हूँ, लेकिन मुझे पता लगा नहीं मुझसे भी दुआ था। उसका नाम है कोमल, क्या करूँ फिर अपना प्लास्टिक सर्जरी करा लूँ, ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है यार। इसका ना आज तक कभी नाम मैंने सही नहीं लिया था, क्योंकि मेरा भी कोई सही नहीं लगा था। मेरा नाम अशल है, मैं भी लोगों की बिगाड़ लूँ नहीं, इसने आज बताया कि इसका असल नाम क्या है। पहले भी मैं 10 दफ़ा बता चुकी, लेकिन आज इसने मुझे तफसील से बताया कि इसका नाम नवेरा नहीं बल्कि नवीरा है। तो आज मैंने इसको जितनी दफ़ा भी बुलाया है, 2 दफ़ा छोड़ के सही नाम से बुलाया। जब इसका सही नाम लेती हूँ तो ये खुशी से चाहे उठती हूँ बिल्कुल। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस, यार कैसे लाइक नहीं करना, हम इतना खजल हो गए ब्लॉग बनाते बनाते। अनएक्सपेक्टेड ब्लॉग, अनएक्सपेक्टेड दिल नहीं था मेरा आज का ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ ना आने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तो अब आप लोग लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। संदूक के अंदर क्या होगा, किसके अंदर होगी, किसके अंदर बुक के यार नहीं, इसके अंदर होंगे पैसे, सामने रखे हो चोरों को शक भी नहीं कभी होगा।